Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel. और आज हम देखने वाले हैं कोक स्टूडियो सीजन 9 की तरफ से तू कुजा मन कुजा बाय शिराज उपल एंड रफ़क़त अली खान. और ये कोक स्टूडियो की तरफ से हमारा शायद थर्ड या फोर्थ सॉन्ग होने वाला है और इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फाइनली आज हम देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. कोक स्टूडियो सीजन 9. या नबी हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो
रुतबा तेरा हमेशा की तरह जो कुक स्टूडियो की परफॉर्मेंस रहती है हमेशा की तरह वैसी ही थी और बल्कि उससे भी अच्छी अच्छी मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जितनी भी हम परफॉर्मेंस देखते हैं वो एक दूसरे से नेक्स्ट लेवल होती है और ये वाली कोऑर्डिनेशन हाँ, चलो वो चीजें तो इसमें होती ही होती है कुक स्टूडियो में, उसकी बात नहीं कर रहे आज हम, क्योंकि ये तो होता ही है, वही करते आ रहे हैं अभी तक कुक स्टूडियो की परफॉर्मेंस देखने के बाद। लेकिन इसमें जो एक कौन थे सिंगर, शहराज उप्पल और एक रफाकत अली खान, हाँ ऐसे कुछ नाम था उनका, रफाकत अली खान और शहराज उप्पल, और जो दुख बाद में आए थे आई थिंक उनका नाम शहराज उप्पल था, उनकी जब उन्होंने गाना शुरू करा है और उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब बस खो जाओ, उन्होंने जो सरगम गाई है फिर उसके बाद उन्होंने जो पढ़ना शुरू करा है इट वॉज लाइक बस सुनते जाओ और एक ये तू कुजा मन कुजा जो है कि पर्शियन आई गेस पर्शियन वर्ड है, लेट मी सर्च, तो मतलब एशियन वर्ड में तो नहीं आएगा, एशियन लैंग्वेज से रिलेटेड तो नहीं है, क्या है इसका मीनिंग? हाँ हाँ तू कुजा मन कुजा इज अ पर्शियन दैट इज फारसी फॉर द नेक्स्ट लाइन तू कहाँ मैं कहाँ, इसका मतलब ये होता है कि तू कहाँ मैं कहाँ, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं जैसे हमने अल्लाह अकबर सुनी थी हाँ, तो वो भी कुछ ऐसी थी ना, वो तो दुआ थी, ये एक कवाली के तरीके से थी, हाँ कवाली कहा जाएगा इसे, इसमें ऐसा जैसे कि खुदा से बात की जा रही है कि तू कहाँ और मैं कहाँ, और ढूंढ रहे हैं जिसे, खुद को भी ढूंढ रहे हैं और ऊपर वाले को भी, खुदा को भी ढूंढा जा रहा है। हाँ बट इसमें जो बहुत सारी लाइन्स ऐसी थी मुझे याद नहीं आ रही है, बट जैसे कि वो वाली थी हकीकत वाली समथिंग, तो हकीकत और मैं सिर्फ एहसास हूँ, हाँ ये इतनी ये वाली लाइन थी, तो ये मतलब तू हकीकत का मतलब ये है कि हकीकत ये कि वो रियलिटी है, हमेशा रहेगा, हाँ और हम सिर्फ एहसास हैं थोड़े से वक्त के लिए हैं, हाँ हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं है उस ऊपर वाले के आगे, मतलब हम ट्रांजिएंट हैं थोड़े टाइम के लिए हैं और फिर कुछ टाइम बाद हम चले जाएंगे। और भी एक लाइन थी जिसमें मैंने वाह करा था, मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही, मतलब ये इस सेंस में कहा गया है कि जो ऊपर वाला है उसके पास इतना सब कुछ है कि हम एक सिर्फ उसके आगे क्या है, भटकी हुई प्यास है, और हम और जब हमने उसका एड्रेस अपनी ख्वाहिशें लेकर जाते हैं उसके सामने और वो जो है हमारे लिए समुंदर है, एक तरह समुंदर है, अगर हम ये बोल सकते हैं उसके बारे में तो हम जो है सक्सेसफुल हैं। हाँ बिल्कुल ये उसकी लाइन हो जाएगी। बाकी जो सिंक्रोनाइजेशन था और जो उसका जो पूरा बैंड था इट वॉज
सो 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 गुड, और इतना मज़ा आ रहा था सुनने में, मैं तो बिल्कुल खो गई थी। बस मैं चाह रही थी कि बस ये चलता रहा, मैं सुनती रहूँ, मैं सुनती रहूँ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। और शिराज उप्पल को हमने फर्स्ट टाइम सुना था, शिराज उप्पल को देखा था हमने, पहले नहीं सुना था ना इनका किसी गानों वानों में इंडिया में, शायद गाए इन्होंने। नहीं नहीं मैंने सुना है इनका नाम, सुना है इनका नहीं, पर मुझे दूसरे जो है ना, रफाकत अली खान हो सकता है उन्होंने गाया हो, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ी सी ना सुनी सुनी सी लग रही थी उनकी आवाज लगती है कुछ कुछ लोगों के मैच होते हैं। पता नहीं, शायद गाया हो, क्योंकि इतने सारे पाकिस्तानी सिंगर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे गा चुके हैं, तो हो सकता है इन लोगों ने भी गाया हो, हम कुछ कह नहीं सकते। सो गाइज, ये था आज का हमारा रिएक्शन तू कुजा मन कुजा सीज़न 9 कुक स्टूडियो के लिए, और इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ा आया सुनकर, और अल्लाह अकबर के बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। ये दोनों ऐसे हैं कि हम इनको कभी भी सुनेंगे ना तो ये न्यू ही लगेंगे। इनफैक्ट ये 3 साल पुराना है, तो अगर हमने अभी भी सुना है तो ये हमारे लिए तो न्यू था, बट अगर हम इसको आने वाले 3-4 साल के बाद भी सुनेंगे तो ये हमारे लिए तो हमें नया ही लगेगा। और जो वहाँ की जो पब्लिक है वो भी इसको देखना इसलिए पसंद करती है, क्योंकि जो वहाँ का कुक स्टूडियो है वो चाहे कितना ही पुराना हो जाए उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जाता है, और लोग उतना ही ज़्यादा देखना पसंद भी करते हैं, और बहुत ही प्यारा था। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।